आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे कुछ मज़ेदार प्रयोगों से। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लेंगे एक कपड़ा और इस कपड़े पर हमने एक कप और प्लेट रखा है। इस कप के अंदर हमने चाय ली हुई है और हम इस कपड़े को हटाते हैं। हमने क्या देखा? ना तो ये कप प्लेट गिरा और ना ही इसके अंदर की चाय छलकी। अब हम एक और प्रयोग करते हैं। इस गिलास के ऊपर हम ये एक गत्ता रखते हैं, ये पतला सा गत्ता, ये मैंने यहाँ पे पोस्ट कार्ड लिया है। इसके ऊपर हमने रखा एक सिक्का। गत्ता हटाने पर सिक्का हमेशा गिलास में ही क्यों गिरता है? अब हम लेते हैं कुछ 5 रुपए के सिक्के। इसकी हमने एक ढेरी बनाई और ये हमने एक लोहे का फुट्टा लिया। आपने देखा सिर्फ एक ही सिक्का यहाँ गया, बाकी की ढेरी ऐसे ही रही। ऐसा सब होने का एक ही कारण है और वो है जड़त्व। पर जड़त्व है क्या? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। यहाँ हमने पानी से भरी हुई एक प्लेट ली है। इस प्लेट को अचानक चलाने पर क्या हुआ और चलती हुई प्लेट को अचानक रोकने पर क्या हुआ? प्लेट के चलना प्रारंभ करने पर पानी पीछे की ओर ही क्यों छलकता है और चलती हुई प्लेट को अचानक रोकने पर पानी आगे की ओर ही क्यों छलकता है? प्रारंभ में प्लेट और पानी दोनों ही स्थिर अवस्था में है। जैसे ही प्लेट चलती है, प्लेट तो गति अवस्था में आ जाती है, परंतु पानी जड़त्व के कारण स्थिर अवस्था में ही रहना चाहता है और पीछे की ओर छलक जाता है। जब हम चलती हुई प्लेट को अचानक रोकते हैं तो प्लेट तो स्थिर अवस्था में आ जाती है, परंतु पानी जड़त्व के कारण गति अवस्था को बनाए रखना चाहता है और वो आगे की ओर छलक जाता है। ऐसा ही अनुभव हमें होता है जब हम बस में खड़े होकर यात्रा करते हैं। बस के अचानक चलने पर क्या हुआ और अब बस में अचानक ब्रेक लगने पर क्या हुआ? आइए इसे समझते हैं एक छोटे से प्रयोग के द्वारा। इसके लिए लेते हैं हम एक ट्रॉली और उस पर ये गुड़िया खड़ी करते हैं। इसे चलाकर देखते हैं क्या हुआ, गुड़िया पीछे की ओर गिरी। ऐसा क्यों हुआ? शुरू में ट्रॉली और गुड़िया दोनों ही विराम अवस्था में है। अचानक ट्रॉली के चलने पर गुड़िया के पैर, जो कि ट्रॉली के संपर्क में है, गति अवस्था में आ जाते हैं, परंतु उसका ऊपर का भाग विराम अवस्था में ही रहना चाहता है, इसलिए जड़त्व के कारण गुड़िया पीछे की ओर गिरती है। और अब देखेंगे चलती हुई ट्रॉली के अचानक रुकने पर क्या होता है। आपने देखा गुड़िया आगे की ओर गिरी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब ट्रॉली चल रही थी तो गुड़िया और ट्रॉली दोनों ही गति की अवस्था में हैं, परंतु अचानक रुकने पर ट्रॉली और गुड़िया के पैर वो तो स्थिर अवस्था में आ जाते हैं, परंतु गुड़िया का आगे का भाग गति अवस्था में ही रहना चाहता है और इस वजह से जड़त्व के कारण वो आगे की ओर गिरती है। अब आप ये भी समझ गए होंगे कि जड़त्व क्या है। जड़त्व पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वस्तुएं यदि विराम अवस्था में हैं तो वे अपनी विराम अवस्था को बनाए रखना चाहती हैं, और यदि समान गति से चल रही हैं तो निरंतर उसी प्रकार चलते रहना चाहती हैं। जड़त्व के इस गुण का हमारे दैनिक जीवन में अनेक स्थानों पर उपयोग होता है। टमाटर की चटनी यदि गाढ़ी बनी हो तो उसे बोतल से निकालने के लिए हम क्या करते हैं? हम बोतल को इस प्रकार झटकते हैं। जब हम बोतल को अचानक रोकते हैं तो बोतल तो विराम अवस्था में आ जाती है, परंतु चटनी गति अवस्था में ही रहना चाहती है और जड़त्व के कारण वो बोतल से बाहर आ जाती है।
किसी गलीचे या पायदान की धूल को डंडे से पीटकर झाड़ सकते हैं। इस तरह पीटने पर धूल के कण पायदान से अलग क्यों हो जाते हैं? डंडे से पीटने पर पायदान गति में आ जाता है और अपने स्थान से हट जाता है, परंतु धूल के कण जड़त्व के कारण अपने स्थान पर ही बने रहना चाहते हैं और इसलिए पायदान से अलग होकर गिर जाते हैं। इसी प्रकार जब हम पेड़ की शाखाओं को हिलाते हैं तो उस पर लगे फल, फूल और पत्ते नीचे गिर जाते हैं। हिलाने पर पेड़ की शाखाओं में अचानक गति उत्पन्न हो जाती है, परंतु उन पर लगे फूल तथा पत्ते अपने स्थान पर बने रहना चाहते हैं। इस प्रक्रिया में वे पेड़ों से अलग होकर नीचे गिर जाते हैं। जमीन पर इस प्रकार पटकने पर ढीला हथौड़ा हत्थे में कस क्यों जाता है? जब हम हथौड़े को ऊपर से नीचे लाते हैं तो जमीन से टकराते ही हत्था विराम अवस्था में आ जाता है, परंतु इसका लोहे का भाग जड़त्व के कारण गति अवस्था में ही रहना चाहता है और लकड़ी के हत्थे पर कस जाता है। हमारे पास हैं दो अंडे, एक उबला हुआ और एक बगैर उबला हुआ। आइए देखते हैं क्या करते हैं। हम बारी बारी से इन अंडों को घुमाते हैं। ये अंडा रोकने पर रुक गया। अब हम दूसरे अंडे को घुमाते हैं। ये क्या, ये तो फिर भी घूम रहा है, ऐसा क्यों? यह बगैर उबला हुआ अंडा है, इसमें तरल पदार्थ होता है। जब हम इसे घुमाते हैं तो खोल और तरल पदार्थ दोनों ही गति में होते हैं। रोकने पर जो खोल है वो तो विराम अवस्था में आ जाता है, परंतु तरल पदार्थ गति में ही रहना चाहता है जड़त्व के कारण। इस प्रकार तरल पदार्थ के घूमने से ये अंडा दोबारा घूमने लगता है। इस कच्चे अंडे की तुलना हम इस खिलौने से कर सकते हैं। इसको घुमाते हैं, क्या देखा? इसके अंदर का तरल पदार्थ घूम रहा है। फिर से देखिए, रोकने पर क्या हुआ, यह फिर घूमने लगा। रोकने पर बाहर का खोल तो विराम अवस्था में आ जाता है, परंतु अंदर का तरल पदार्थ जड़त्व के कारण गति में बना रहता है। अब जरा सोचिए, उबले अंडे को रोककर छोड़ने पर वह दोबारा घूमना प्रारंभ क्यों नहीं करता? इस प्रकार हमने सीखा कि प्रत्येक वस्तु अपनी गति अथवा विराम अवस्था में ही रहना चाहती है। वस्तुओं के इस गुण को जड़त्व कहते हैं। परंतु क्या सभी वस्तुओं का जड़त्व समान होता है? इस खिलौना गाड़ी को गति में लाने के लिए हमें थोड़ा सा बल लगाना पड़ता है। इसे तो हम थोड़ा सा बल लगा करके ही आसानी से गति में ला सकते हैं, लेकिन यदि किसी बड़ी कार को खिसकाना पड़े तो कितना बल लगाना पड़ेगा? जानते हैं इसका कारण क्या है? इस कार का जड़त्व खिलौना कार के जड़त्व से काफी अधिक है। ऐसा ही अनुभव हमें तब होता है जब हम फुटबॉल के आकार के किसी बड़े पत्थर को किक लगाकर दूर फेंकना चाहते हैं। कारण है, पत्थर का जड़त्व फुटबॉल के जड़त्व से अधिक होता है। इस प्रकार जितना अधिक किसी वस्तु का द्रव्यमान होगा उतना ही अधिक उसका जड़त्व भी होगा। अतः हम कह सकते हैं किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होता है। अब यहां देखिए, ये समान आयतन के दो गुटके हैं, एक लकड़ी का और एक लोहे का। क्या इनका जड़त्व बराबर है? सोच कर बताइए।